बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हो दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो पहला जो पिछला व्लॉग है वो मेरा इससे पहले का डाला हुआ है, मैंने डाला भी कल, क्यों टाइम नहीं मिला मुझे, तो कुछ नेट का भी प्रॉब्लम था इधर। तो ईद के जो काम थे वो मैंने उनका व्लॉग बनाया भी नहीं है और ना ही बना सका हूँ, तो कुछ मसरूफियात ज़्यादा थी और ना ही कोई मोबाइल को पकड़ने वाला था जो कि मेरी वीडियो बनाता, क्यों मेरे पास तो मसरूफियात इतनी ज़्यादा थी कि मैं खुद मोबाइल को पकड़ना काफ़ी मुश्किल था। क्यों पहला दिन और दो दिन, तकरीबन पहले दिन हमारी पौने सात जमात हुई है ईद की, और तकरीबन सवा सात और साढ़े सात तक शुरू हुआ और मगरी के बाद जाके कहीं फारिग हुआ। तो दूसरा दिन भी मेरा तकरीबन नौ बजे शुरू हुआ हूँ, तो मगरी के बाद ही जाके कहीं फारिग हुआ, तो क्यों दोस्तों के कुछ जानवर वगैरह थे जो मैंने करने होते हैं हर ईद पे करता हूँ, तो इस सीज़न में भी मैंने किए हैं, तो इसलिए कुछ टाइम नहीं था। तो आज व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ, क्यों आज कुछ मूड है मेरा कुछ बनाने का, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ वो भी शेयर किया जाए और उसको भी बनाया जाए, तो अभी उसको शुरू करते हैं। क्यों ईद के बाद जो ये तीन चार दिन होते हैं यही इंजॉय के होते हैं, जो कि गोश्त वगैरह होता है उनका कोई ना कोई रेसिपी बनानी होती है, तो आज भी इसी सिलसिले से कुछ बनाने लगे हैं, तो वो भी आप दोस्तों के साथ अभी शेयर करते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वह मुख्तसर सी रेसिपी है जो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएगी, तो अभी उसी की तरफ चलते हैं। ये जी जानवर हैं, इसी के साथ बंधे हुए हमने, पट्ठे वगैरह खा रहे हैं। ये जी जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो है पूरी रान को हमने रोस्ट करना है, तो सिर्फ आज का प्रोग्राम यही है। क्यों ये जो छुट्टियां होती हैं ना, सिर्फ तीन से चार छुट्टियां जो हमारी रहती हैं, तो हमने यही छोटे मोटे प्रोग्राम ही करने हैं घर में, तो आज का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ ये पूरी रान को रोस्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी सफाई करेंगे, ये काफ़ी इसको बाल भी लगे हुए हैं और ये जो चीज़ है ये भी उतारेंगे इसकी, तो उसके बाद जो अगला काम है वो भी आप दोस्तों के साथ अभी शेयर करते हैं। पहले इसकी सफाई कर लें फिर अगला काम करते हैं जो इसकी मैरिनेट करना है हमने। हल्दा तैयार करने लगे हैं, मिर्चें हैं, प्याज हैं और लहसुन है, ये जग में जाएगा। मिर्चों की भी डूंडी तोड़ने वाली है, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें और इसको ग्राइंड करेंगे। मौसम भी काफ़ी प्यारा हो रहा है, बादल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक बारिश का बताया भी हुआ है, लेकिन ये नहीं पता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्यों पिछले दिनों भी बताया हुआ था, कल का भी बताया हुआ था, लेकिन कल बारिश नहीं आई है, तो वैसे मौसम ठंडा रहा है,
तो आज का भी माशाल्लाह मौसम काफ़ी ठंडा है, तो अभी बस इसको मैरिनेट करेंगे और थोड़ा सा टाइम ही इसको रखेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना है। कुछ रेसिपी ऐसी होती है जिसमें मैरिनेट ज़्यादा टाइम के लिए भी रखते हैं, लेकिन ये तो सादा सी रेसिपी है तो इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे, सिर्फ थोड़ा सा टाइम देंगे इसको मैरिनेट का, फिर उसके बाद इसको फ्राई भी करेंगे, फिर जो अगला इसका है स्टीम का, वो फ्राई के बाद इसको स्टीम करेंगे हम। ये जी मैरिनेशन का मसाला तैयार हो गया, बस ये इतना सा ही मसाले डालने हैं इसमें। जी मैरिनेट का मसाला लगा दिया, तो इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट या आधा घंटा रखेंगे, फिर उसके बाद अगला काम करेंगे, सिर्फ अगला इसका थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर ये जो बचा हुआ मसाला है ये लगाएंगे, तो लगाने के बाद इसको फिर हम स्टीम करेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अभी हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, कढ़ाई में हल्का हल्का सा फ्राई करना है, सिर्फ ब्राउन सा करना है, फिर उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। ये हल्का हल्का इसको फ्राई कर लिया था हमने, तो अब इसको दोबारा मसाला लगाएंगे, ये पानी इसका गिरा देंगे, फिर इसको दोबारा स्टीम करेंगे। अभी हम ये जी हमने इसमें स्टीम करना है, तो ये फॉइल पेपर में हमने लपेट के पानी डाल दिया, 4 घंटे के हिसाब से 3-4 घंटे इसको स्टीम करेंगे, फिर उसके बाद आप दोस्तों को दिखाएंगे। ये देखें जी स्टीम चलते हुए तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं इसको। ये मैंने बाद में कपड़ा रखा था, क्यों वैसे गैस ज़्यादा ज़ाया हो रही थी, तो इस वजह से मैंने कपड़ा लगाया। ये काफ़ी कुछ बेहतर है, लेकिन ये इजाफी गैस तो निकलेगी इसकी, जैसे कि कुकर में से निकलती है, तो बाकी आधा पौना घंटा और लगाएंगे इसको, फिर उसके बाद देखेंगे क्या सूरत हाल है। ये जी हमारी तकरीबन 3 घंटे 3.25 घंटे हो गए इसको, ये इससे ज़्यादा ही हो गया होगा, उम्मीद है कि पक चुका होगा। अभी इसको खोल रहे हैं हम,
ये जी हमारी ब्राउन की फाइनल लुक है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये देखें, ये देखें,